एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ होम ऑर्गेनाइजर, किचन ऑर्गेनाइजर। एंड बहुत सारे मैंने ऑर्गेनाइजर डेकर आइटम्स ऑर्डर किए हैं, काफी सारे चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स ऑर्डर किए हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस यू वांट टू चेक दैट आउट। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज जो मैंने परचेज की है वो है एक मेकअप ऑर्गेनाइजर, स्किन केयर ऑर्गेनाइजर। फर्स्ट इज दिस ब्यूटीफुल एमरल्ड कलर, एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड, काफी अच्छी और स्टडी क्वालिटी है। ना मेरे पास काफी सारे ब्रांड्स के होते हैं मेकअप, क्योंकि मैं मेकअप वीडियोस भी शूट करती हूँ ना, उस वजह से तो मुझे अभी सेग्रीगेट करके रखना है कि अच्छा ये पूरा स्विस ब्यूटी है, ये पूरा मेकअप रेवोल्यूशन है, ये पूरा मेबलिन है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने ये दो पीसेस बाय किए, मुझे क्वालिटी अच्छी लगी है बट इट इज एक्सपेंसिव। ओके, मतलब 2000 रुपए एक ब्रांड के लिए डालना इज एक्सपेंसिव, तो क्वालिटी मुझे अच्छी लगी तो आई पुट दैट ऑन। बट आप इसमें रैंडम मेकअप्स भी रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ये वाला इस तरह का ओपनिंग मिल जाता है, ठीक है, ये दोनों साइड से ओपन हो जाता है, लाइक अगर आपका बैक में भी ये होगा तो ये ओपन हो जाएगा इजिली। और यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस है, काफी टॉल है ये, तो आपका मेकअप का जो स्प्रे है, सेटिंग स्प्रेज है, टोनर्स है, बॉटल्स है, वो अच्छे से यहाँ पे सेग्रीगेट रहेंगे। जो भी आपके फाउंडेशन की बॉटल्स वगैरह है, जो लिपस्टिक वगैरह है, आप इसमें रख सकते हो, काजल वगैरह रख सकते हो, तो जितने भी आपके छोटे ऐसे है जो ले डाउन होते हैं मेकअप, ब्रॉन्जर वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। तो तीन ड्रॉ है, एक बड़ा ड्रॉ आ जाता है और एक दो छोटे ड्रॉ आ जाते हैं इस साइज के। सो काफी यूजफुल है ये, क्वालिटी इज ऑल्सो रियली नाइस। ब्यूटिफुल प्लेट, ये मिरर प्लेट है और इसमें भी आप बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कॉफी टेबल पे भी ये बहुत अच्छी लगेगी, कॉफी टेबल पे भी ये बहुत अच्छी लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है बैक कुछ इस तरीके का आता है, इसमें अलग अलग डायमीटर की प्लेट्स अवेलेबल थी। मेकअप वैनिटी पे भी काफी अच्छी लगेगी और कॉफी टेबल पे भी अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो ये बहुत सुंदर लगने वाली है। इट्स गोइंग टू बी रियली ब्यूटीफुल, सो आई रियली लाइक द क्वालिटी एज वेल। नीचे जो है वेलवेट का ये मटेरियल दिया गया है, साइड का भी जो गोल्ड डिटेलिंग है वो काफी सही है। ये पीस 100% रिकमेंडेड है, डेफिनेटली लेना। ये का ओपन अप हो जाता है, देन यहाँ पे तीन ड्रॉवर्स दिए हुए हैं और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, कुछ इस तरीके का हैंडल आ जाता है ना, मतलब ट्रैवल में तो ऑब्वियसली आप ऐसे नहीं लेकर जाओगे, बट इनकेस अगर आप लेकर जा रहे हो, ले डाउन कर रहे हो, डायरेक्टली आपको नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इट्स वेरी गुड क्वालिटी, काफी सही है इसका, आई लिटरली लव दिस। इसमें आप स्किन केयर मेकअप सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर इफ यू आर समवन जिसके पास गिने चुने पर्टिकुलर मेकअप है, गिने चुने पर्टिकुलर चीजें हैं, दे डू नॉट हैव लाइक एक्स्ट्रा स्टफ, तो उनके लिए ऑर्गेनाइजर काफी सही रहने वाला है, बिकॉज जनरली कुछ ऐसी बेकार चीजें पड़ी होती है जो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। फिर इसमें ऑर्गेनाइजर आ जाता है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट क्वालिटी इज सुप्रीमली गुड, लाइक लिटरली सुप्रीमली गुड। इसमें इस तरीके के हैंडल्स भी आ जाते हैं, क्रिस्टल है ये तो आपको दिखेगा, क्लियर है एकदम, ठीक है, इसका एयर टाइट आ जाता है तो चीजें कम खराब होगी। अब इसमें तीन बास्केट दिए हुए हैं तो आप अपने जो भी वेजिटेबल्स है वो रख सकते हो। अब क्योंकि ये मैश बास्केट है और देन फिर यहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ड्रिप होगा यहाँ से नीचे से और सब्जियां ज्यादा देर तक सही रहेगी। तो आई रियली लाइक द क्वालिटी बट बहुत महंगा, लाइक 999 का एक बॉक्स है। अब वर्थ करता है टोटली, बट अगर आप यू नो अफोर्ड कर सकते हो तो दिस इज अ रियली ग्रेट प्रोडक्ट। अच्छे से सब्जियां ऑर्गेनाइज भी रह जाएगी एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। लाइक ऐसे तीन बॉक्स ले लू ना मैं तो आई एम सॉर्टेड फॉर द फ्रिज, फ्रिज में चार बॉक्सेस ले लू जिसमें मुझे 4000 का खर्चा होगा, सो आई एम सॉर्टेड। बट क्वालिटी काफी अच्छी, लाइक टमाटर भिंडी वगैरह आप अच्छे से तोड़ वाड़ के रख सकते हो उसमें। सो या चावल रखने का डिस्पेंसर भी आप बोल सकते हो, ये कुछ इस तरीके का आ जाता है। सो बेसिकली ये प्लास्टिक मटेरियल का आता है, ये नीचे कंटेनर है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एंड इस कंटेनर में अगर आप डिटेलिंग देखोगे तो यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं इनकेस अगर आप चावल दाल कुछ भी धोना चाहते हो और पानी निथारना चाहते हो ना, तो ये काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब ये जो है ऊपर आपको एक प्लास्टिक का राउंड मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप कीड़ों से बचने के लिए सीरियल में जो भी लौंग वोंग डालते हो ना वो ऊपर डाल सकते हो। एंड देन यहाँ पे यू हैव दिस कंपार्टमेंट गोइंग ऑन, ये कंपार्टमेंट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। दीज आर रिमूवेबल कि आपको पूरा, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ राइस भरना है, दाल भरना है, चावल भरना है, जो भी बना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे जब आप बटन प्रेस करोगे ना तो वो इसमें आएगा एंड देन यू कैन यूज इट, मतलब एक ही बॉक्स में आप काफी सारे सीरियल ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑलराइट, दिस इज एक्चुअली वेरी इनोवेटिव बट द क्वालिटी इज सो फ्लिमजी, सो बैड क्वालिटी, बिल्कुल अच्छा नहीं। इट्स अ वेरी कचकड़ा काइंड ऑफ पीस,
आई डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल बिकॉज ऑफ क्वालिटी. आइडिया अच्छा है बट क्वालिटी इज रियली बेकार, रियली रियली बेकार, राइट? बिल्कुल अच्छा क्वालिटी नहीं है. इस पीस पे बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना. दिस इज समथिंग के पतला वाला प्लास्टिक यूज किया गया, इट्स एक्चुअली फ्लिमजी और क्रैक आ जाएगा इस पे अगर ये एक बार भी गिरा हुआ राइस या आपने आटा या चावल जो भी रखा हो. बट अगेन माई प्रॉब्लम विद दिस प्रोडक्ट इज इट्स एक्सट्रीमली बैड क्वालिटी, बहुत गंदी वाली क्वालिटी है. लाइक लुक एट दिस, इसको ऑलरेडी किसी ने यूज करके रिटर्न भी किया है और सेलर ने एज इट इज भेज दिया है, साफ करने की भी जहमत नहीं की, अंदर ऑलरेडी ग्रेन्स ऐसे ही पड़े. ऑफकोर्स जो भी इसको लेगा रिटर्न ही करेगा बिकॉज क्वालिटी इज सो बैड कि आप इसमें प्रोडक्ट रख ही नहीं सकते. ये वाला 100 rupees का भी क्वालिटी नहीं है, इसके लिए 2000 कौन पे करेगा? लाइक दिस इज द कचकड़ा पीसेस. इससे बेटर तो ये है कि मैं डीमार्ट वगैरह से अच्छे वाले कंटेनर्स वगैरह ले लूँ. आई रियली डिड नॉट लाइक दिस बिकॉज क्वालिटी इज सुप्रीमली बैड दिस पीस. अच्छा ये भी कंटेनर आ जाता है. सबसे पहले मैं तो बता दूं कि इसकी क्वालिटी सही है, तो होल्ड ऑन करना वीडियो भी वरना स्किप कर दोगे. अच्छा ये भी खराब क्वालिटी का है करके. ऑल राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक बड़ा सा राउंड मिलता है, नीचे के साइड में एक बड़ा कंटेनर मिलता है. तो जो भी आप मेजरली यूज करते हो, एग्जाम्पल मेरे घर में चावल ज्यादा यूज होता है, दालें कम रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें मैं चावल भरूंगी. यहाँ पे छोटे 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 ऊपर के साइड में दिए हुए, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की दालें या जो भी आपको ग्रेन इसमें डालने वो आप डाल सकते हो. जब आप ओवरऑल इसका लुक जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही क्यूट है, इसकी क्वालिटी भी काफी स्टडी है. कंपैरेटिवली जो पीसेस पहले मैंने आपको दिखाए हैं उसके कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी इज सुपर डुपर क्यूट. सो बेसिकली इसमें आपको ग्रेन्स भरने हैं, यहां से प्रेस करना है और हो जाएगा. यहाँ पे आपको वापस से ये एड इस तरीके से ट्रे एड कर देनी है. यहाँ पे गोल्डन बटन दिए हुए हैं, बटन का क्वालिटी भी काफी अच्छा है. ग्रेन्स को अगर आपको फिल करना है तो बेसिकली यहां से आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है? ये वाला पोर्शन भी ओपनेबल आता है. सो इनकेस अगर आपको नीचे ग्रेन भरने हैं तो नीचे भी आप ग्रेन्स भर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कहाँ पे क्या भरना है. इसका क्वालिटी बेटर है. अगर आप कुछ मॉडर्न लेना ही चाहते हो ना तो आप ये वाला पीस लेना बिकॉज दिस इज फार बेटर देन दोज पीसेस. ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया गया है. अगर आपको कुछ मॉडर्न ही चाहिए ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, दिस वन इज मच 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 बेटर. देन आई गॉट दिस LED मिरर. सो बेसिकली ये जो है उस तरीके से LED मिरर आ जाता है विद स्टैंड. यहाँ पे एक राउंड कलर का आप देखोगे ये दिया हुआ है, इसको जब आप इस तरीके से प्रेस करते हो ना तो इसका कलर चेंज होता है. पीछे एक बटन भी दिया हुआ है उसके लिए कि आप इसको यूज कर पाओ. एंड यहाँ पे पीछे सेल डलते हैं, तो इसमें सेलर ने अभी सेल डालकर नहीं दिया है एंड सेल इसके साथ आए भी नहीं है, मुझे अलग से परचेज करना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है. सो इसका रिव्यू जो है हम अलग से शॉर्ट में देंगे, बट मैंने आपको दिखा दिया है. इसके में एक मेरे पास ग्रीन पीस है जो मैंने ऑर्डर किया है, उसके साथ सेल मुझे रिसीव हुए थे, इसके साथ नहीं हुआ है. ब्लैक वाला आई ऑर्डर फॉर दिस घर के लिए, वो वाला मैंने स्टूडियो के लिए ऑर्डर किया था. सो या तो ये पूरा रिव्यू अलग से आएगा. बैग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ चाहिए बट दे डू नॉट हैव अ सेपरेट स्पेस, और 6-7 बैग आपके पास है तो आप ये वाला ले सकते हो. सो दिस इज बेसिकली अ हैंगिंग पाउच. यहाँ पे इस तरीके का हैंगर भी इसमें दिया हुआ है, आप कहीं भी कबर्ड वगैरह में हैंग कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो स्पेस को. यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का पाउच सेक्शन मिल जाता है जिसमें आप आपके बैग्स वगैरह जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हो अच्छे से. काफी बड़े साइज के बैग होंगे, एकदम तो नहीं आएंगे, बट मिडल साइज के बैग इसमें आसानी से आ जाते हैं. तो इस तरीके से आप अपने बैग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो. इनकेस अगर आपके पास बैग्स के लिए सेपरेट वगैरह नहीं है, हैंड बैग्स की बात कर रही हूँ मैं, हैंड बैग्स वैसे मेरे पास है नहीं तो मैं इसमें आपको क्लच वगैरह ही ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी, बट इट्स एक्चुअली यूजफुल. बाथरूम क्लीनर मैंने कभी यूज नहीं किया. सो दिस इज बेसिकली अ डस्टबिन कम बाथरूम क्लीनर. 3500 रुपए का ये मुझे पड़ा है ना. आई वॉज एक्सपेक्टिंग वेरी गुड क्वालिटी, मतलब पॉश क्वालिटी का होगा, बट दिस इज अगेन अ कचकड़ा पीस. मत बाय करना, मैंने कर लिया एंड दिस इज नॉन रिटर्नेबल. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको इस तरीके से डस्टबिन मिल जाता है, छोटा सा डस्टबिन यहाँ पे आपको मिलता है, वो भी आप देख रहे हो क्वालिटी. यहाँ पे डस्टबिन की कैपेसिटी बहुत ही कम है, ठीक है? तो डस्टबिन आपको एकदम छोटा सा मिल जाता है
एंड यही देखकर मैंने लिया था कि इसकी कैपेसिटी भी कम है और ये इसकी चौड़ाई कम है, तो इनकेस कई बार कैसे हो जाता है हमारे वॉशरूम में जगह कम होती है साइड में बाथरूम में, तो वो काफी यूजफुल होता है। ये ब्रशेस जो गंदे दिखते हैं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो ये इस तरीके से बंद हो जाता है, बंद हो जा ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है। बट दिस इज अ कचकड़ा पीस, ये इंस्टॉलेशन के पहले अभी इतना कचकड़ा लग रहा है, यूज तो आप क्या ही करोगे, दिस इज नॉट अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, 3,500 का तो बिल्कुल वर्थ नहीं करता, बिल्कुल मत लेना इसको। टू पीसेस सेट ऑफ टू एंड ये भी वेजिटेबल स्टोरर है, लाइक लुक एट दिस है, एंड देन यहाँ पे छोटी सी बास्केट होती है, देन यहाँ पे ये कांच का होता है, दिस इज एक्चुअली प्लास्टिक नॉट कांच, एंड आई डोंट नो कि सेलर ऐसा क्यों करते हैं। अगर किसी ने आपको प्रोडक्ट रिटर्न किया यूज करके तो यू शुड फाइल अ क्लेम, नॉट सेंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स बैक टू द कस्टमर्स, क्योंकि फिर वो आपको रिटर्न कर देंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी मैं बता सकती थी कि हाँ अच्छी है बुरी है, बट ये यूज पीस है, ऑलरेडी इस पे काफी सारे स्क्रैचेस वगैरह है, सो आई वुड नॉट लाइक 450 का समथिंग ये दो है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप इस पीस को बाय करना। मैं इसको यूज करूंगी यानी आई डोंट नो बिकॉज ऑलरेडी ये यूज है, तो आई डोंट नो हाइजीन को मेंटेन किया गया है कि नहीं आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए, सो नॉट श्योर अबाउट दिस। अबाउट दिस जेपी का वार्मर, ई वार्मर, सो बेसिकली मेरा बच्चा बड़ा आने वाला है, दाल भी गर्म चाहिए, चावल भी गर्म चाहिए, मेरा इतना बिजी स्केड्यूल होता है, मैं 10 बार गर्म करती रह जाती हूँ, एक बार खाना परोसा, ऐसा नहीं, अच्छा खासा गर्म चाहिए उसको, तो आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट। एक्चुअली इसमें खाना गर्म रहता है, ये इलेक्ट्रिक पॉट के साथ आता है एंड क्वालिटी देखने में काफी अच्छी लग रही है। इसी ब्रांड का एक मैंने वो भी लेके रखा है टिफिन, और ये मेरे पास ये पहले लिया था मैंने, ठीक है, तो ये जेपी प्लस का आ जाता है। सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का आपने होटल्स वगैरह में देखा होगा, इस तरीके का ये वार्मर होते हैं, इसी में खाना परोसा जाएगा, ऐसे बड़े भी साइज के थे इसमें, मैंने 2 का लिया था बिकॉज दैट इज सफिशियंट। यहाँ पे इस तरह की कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड का ऑप्शन, एंड काफी अच्छा क्वालिटी है, मैं कुछ इस तरीके से करके दिखाती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ये जो लिड का क्वालिटी है वो काफी अच्छा है, अंदर जो कैपेसिटी है वो फैमिली ऑफ 2 के लिए सही है, उससे ज्यादा के लिए नहीं, बड़ी फैमिली होगी तो बस आप क्या करते ले जाओगे पता नहीं, बट आपने अगर 2 लोगों के लिए खाना परोसा इसमें और आपको गर्म रखना है खाना तो इसमें रह सकते हैं, क्वांटिटी बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। साथ में जो है हमें कुछ इस तरह का कॉर्ड मिल जाता है, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द कॉर्ड जो आप अटैच करोगे, तो आपको स्विच के नजदीक ही बैठना पड़ेगा जो भी आपका डाइनिंग टेबल वगैरह है। फैंसी चीजें, ठीक है, आजकल के जमाने की फैंसी चीजें ओके, सो आई गॉट 1 मोर मेकअप ऑर्गेनाइजर, ठीक है, यू हियर्ड राइट, आई लव मेकअप ऑर्गेनाइजर, सो आई गॉट दिस वन, दिस इज सो ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन, व्हाइट और ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन में आता है, ये थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली जो हमने इसके पहले मैंने आपको दिखाए हैं, एंड मस्ट बेटर है, अगर आपकी बॉटल्स बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तो, और ऐसे ये दिख रहा है कम हाइट लेकिन इसमें नीचे काफी डीप, तो बड़े बॉटल्स वगैरह भी आ जाएंगे इसमें, आप अपने मेकअप के यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस, दिस लुक सो क्यूट, इसमें आप अपने स्प्रेज, बॉटल्स, लोशन कर सकते हो ऑर्गेनाइज। यहाँ पे आपको ड्रॉज मिल जाते हैं, ड्रॉज की भी कैपेसिटी काफी अच्छी है, तो आप इसमें अपनी लिपस्टिक लाइनर लगा सकते हो, लिपस्टिक भी नहीं, जो छोटे छोटे आपके समझो ब्रॉन्जर्स हैं, कॉन्टोर है वो, यहाँ पे साइड में भी आपको जगह मिल जाती है, इस तरीके से ये खुलते हैं, तो दिस इज बेसिकली 1, यहाँ पे भी बहुत कुछ आ जाएगा 1, यहाँ पे भी छोटे छोटे आइटम्स काफी सारे आ जाएंगे। इस साइड में आपको इस तरीके के दिए हुए हैं, तो इसमें आपकी बेसिकली लिपस्टिक, एक तो डिस्प्ले भी काफी अच्छे से हो जाएगी और दिखे भी काफी अच्छे से, तो लिपस्टिक काफी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी, सो दिस इज अ प्रॉपर मेकअप ऑर्गेनाइजर, आई जस्ट लव इट, मतलब आई लव इट, सो डेफिनेटली ये भी रिकमेंडेड है, ले सकते हो आप। वायर होल्डर्स बोलते हैं, ये दीवार में एक्चुअली लगते हैं, तो हमारे जो जनरली कॉर्ड्स है, ये बाहर से हमने कंसीलिंग नहीं कराई और कुछ वायर विजिबल होते हैं ना, लाइक मेरे भी काफी सारे थे, ये एडहेसिव नहीं है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एडहेसिव होते, तो आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, बट ये इस तरीके के क्लिप फॉर्म में आ जाते हैं, आप इसको एज अ वायर क्लिपर लगा सकते हैं, उसमें वायर अच्छे से हो जाते हैं। ये दिस इज पैक ऑफ लाइक 50 आई गेस, बट कैसे यूज करना है इसको भाई, अच्छा ये एडहेसिव आ जाते हैं, तो दीवार पर आप इसे चिपका सकते हो और देन अपने फिर वायर्स को, कॉर्ड होते हैं चार्जिंग वगैरह के इधर उधर पूरे लगे हुए होते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। मैंने ऑर्डर किया था और इसमें अलग अलग साइज के हमें टोटल रिसीव हुए हैं,
दिस इज द एक्रेलिक वन, इसमें ग्रे वगैरह कलर्स भी अवेलेबल था, बट दिस इज सो क्यूट। सो मैंने ये मेकअप ऑर्गेनाइज ड्रॉ ऑर्गेनाइजर से बेसिकली आप किसी भी पर्पज के लिए इसे ले सकते हो, इवन फॉर कटलेरी। सो बेसिकली आपको कुछ इस तरह के चार ट्रे इस कॉम्बो में मिल जाते हैं। ये कॉम्बो में इस वाली साइज की चार ट्रे आपको मिल जाएगी टोटल। दिस इज परफेक्ट फॉर स्टोरिंग स्पून, फोक्स वगैरह, या फिर अगर मेकअप आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो ब्रशेस के लिए दीज आर परफेक्ट। आई ब्रशेस, फेस ब्रशेस, या लाइनर्स एंड काजल्स, उसके लिए आप, वो आपको पता होगा आपके पास कितनी क्वांटिटी है, तो उसके लिए दिस इज परफेक्ट वाला साइज ले सकते हो। ये 1, 2, 3, ये टोटल जो है ये वाली साइज इस कॉम्बो में हमें 6 रिसीव होती है, ठीक है। तो ये 6 रिसीव होती है ये वाली साइज, एंड जो साइज सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी वो ये वाली है। ये 4 हमें रिसीव होते हैं। दिस इज अ बिग ट्रे, तो आप बहुत कुछ इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके बाद हमें ये छोटे वाले भी मिल जाते हैं। दिस इज आई थिंक 4-8 होते हैं ये, तो छोटे वाले मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें पिन्स वगैरह कर सकती हूँ, जैसे कि सेफ्टी पिन, हिजाब पिन, कलरफुल पिन्स। तो पिन्स वगैरह के लिए, छोटी छोटी बिंदी वगैरह के लिए या ज्वेलरी के लिए शायद ये ज्यादा यूजफुल रहेगा, बट पर्सनली छोटे उतने ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं थे मुझे, बड़ा आता तो ज्यादा बेटर होता, बट वहाँ पे चूज का ऑप्शन था। सो क्वालिटी काफी अच्छी है, क्वालिटी बिल्कुल चीप नहीं है इनकी, एंड क्वालिटी काफी बढ़िया है, तो इसको ड्रॉ ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज करेंगे। ऑर्डर दिस ब्यूटिफुल कैंडल होल्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस, ये कुछ इस तरीके से कैंडल कंसोल टेबल वगैरह आपका होगा, अगर बुफे टेबल होगा तो उसपे बहुत सही लगेगा। इसमें 3 ये जो पत्तियां बनी हुई है उसमें आपको इस तरीके से 3 सेपरेटली आया। मैं सारा अभी नहीं खोलूंगी बिकॉज कांच का है, जब सेटअप करने बैठूंगी तब खोलूंगी वरना मेहमान पागल कर देगा मुझे। तो ये बेसिकली आपको कुछ इस तरीके का कैंडल होल्डर मिल जाता है, आपको इसमें ये लगाना है, ठीक है। इसके अंदर आपको कैंडल लगानी है, एंड ओ माई गॉड दिस इज लुकिंग सो क्लासी एंड रॉयल, तो बहुत अच्छा ये लग रहा है। एंड इसका वाइप काफी अच्छा आएगा, तीनों जब एक साथ लग जाएंगे, बिकॉज कांच के तो अभी मैं नहीं खोल रही हूँ, बिकॉज वी हैव स्मॉल किड्स राइड ओवर हियर। सो मेरी जो हेल्पर है उनकी बच्ची छोटी सी, एंड आई डोंट वॉन्ट कि वो कुछ तोड़ वोड़ दें और उसके पैर को हर्ट हो जाए, दैट्स वाई। सो इसको हम पूरा बाद में बैक कैमरा से मैं असेंबल करूंगी। सो उसके अंदर जैसे हमने ग्लास डाले थे ना सर, जूस डालने का पी लेना। गॉट दिस स्टूल इन ब्लू कलर। ये ब्लू और गोल्ड कलर के कॉम्बिनेशन में आ जाता है। बेसिकली ये स्टूल है यानी इस तरीके से वेलवेटी टूफ्ड आ जाता है। ऑनेस्टली वेलवेट का क्वालिटी अच्छा है, बट ये जो गोल्ड कलर इन्होंने वापरा है ये उतना अच्छा नहीं, इसका फिनिशिंग इसकी वजह से बहुत खराब लग रहा है। दिस इज अ चीप गोल्ड काइंड ऑफ स्प्रे विच आई एक्चुअली डिड नॉट लाइक, इसकी वजह से ये उतना ज्यादा उभर कर नहीं आ रहा है, खिलकर नहीं आ रहा है, बाकी ये बहुत अच्छा पीस लग रहा है। देन आई गॉट दिस वन जो कि थोड़ा सा चीप क्वालिटी का है, मतलब इसका गोल्ड कलर भी बहुत ज्यादा चीप है, ये साइड टेबल आ जाता है और यहाँ से भी चिपिंग हो रही है। सो क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी इस पर्टिकुलर पीस की, तो आई वॉन्ट रिकमेंड यू कि आप इस पीस को जाकर बाय करना। देन आई ऑर्डर दिस ब्यूटिफुल स्किन केयर ऑर्गेनाइजर। तो ये कुछ इस तरीके से अनअसेंबल्ड कंडीशन में आ जाता है। बेसिकली ये ना इस तरीके का रोटेटिंग फॉर्म में आता है, लाइक बनने के बाद कुछ इस तरीके का लगेगा, बट फिलहाल अभी जो है ये पूरा अनअसेंबल्ड है, अब इसको बैठ के मुझे असेंबल्ड करना पड़ेगा। सो या लेट्स असेंबल दिस। कि पहले मैंने कई सारे मिनी ऑटोमेटिक मशीन खरीदे हुए हैं, एक मैंने अपने भाई को दे दिया था बिकॉज वो भी हॉस्टल में रहता है तो वो कॉम्पैक्ट हो जाता है काफी ज्यादा। ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट ऑटोमेटिक मशीन जितने अच्छे नहीं होते हैं, बट यस यू कैन यूज दिस। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स, क्या के लिए सही होता है, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे ना तो वो आप जाकर के चेक करना, पोर्टेबल मशीन के काफी कॉम्पैक्ट होता है वो। तो जो उसको मैंने दिया ना, दिस इज लाइक अ बकेट साइज, ऐसे हो जाता है वो, एंड कहीं से भी आप फोल्ड करके उसको ले जा सकते हो। दिस इज रियली लाइट वेट, इनकेस अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो, आपके पास जगह कम है या आपने रूम ले रखा है तो ये काफी सही होता है। लाइक इसमें मैंने दूसरा वेरियंट ट्राई किया हुआ है, इससे भी छोटा था वो, ये थोड़ा सा मिडिल वाला आ जाता है कि आपकी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है एंड यू वांट समथिंग अंडर 6,000 rupees। सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज अ स्मॉल स्मॉल वॉशिंग मशीन। इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बकेट के जितना हल्का है गाइस, तो आप इजीली इसे मूव इन कर सकते हो, एंड मशीन के जैसे ही हमारा ये देके रखा है DMR वॉश एंड ड्राई एंड ऑल करके इनलेट पाइप आउटलेट पाइप, तो इसका जो रिव्यू है मैं सेपरेटली शेयर करूंगी। दिस इज एक्चुअली
हमारे मशीन के जैसा ही होता है एंड इसकी इनबिल्ट क्वालिटी भी पहले से अभी बढ़िया होकर आ रही है. पहले वाला जो है ट्रांसपेरेंट सा था. सो या वी हैव दिस स्मॉल वॉशिंग मशीन एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट एंड या इसका रिव्यू मैं शेयर करूंगी. प्रोडक्ट सोच रही थी कि मैं क्या बना सकती हूँ वीडियोस में बिकॉज अभी फैशन वीडियोस से थोड़े घर के वीडियोस पे स्विच ऑन कर रही हूँ. तो ये प्रोडक्ट मैंने ताकि अगर जो लोग हॉस्टल में रहते हैं कॉलेजेस में रहते हैं उनको ये थोड़ी सी हेल्प हो सके. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने ड्रायर मंगाया है. बारिश के टाइम पे कपड़े मॉनसून में इजिली सूखते नहीं है. सो ये कुछ इस तरह की ड्रायर मशीन आ जाती है जिसपे आप कपड़ा हैंग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगा. बट ये पूरा अनअसेंबल्ड कंडीशन में आया. लाइक दिस इज द बॉक्स, दिस इज द बैग एंड ये फिर कुछ इस तरह की रॉड्स दी हुई है. तो वी नीड टू असेंबल दिस. पर्सनली मेरे पास ऐसा था पहले भी जो मैंने रिव्यू के लिए मंगाया था एंड वो उतना ज्यादा हेल्पफुल मुझे लगा नहीं था बिकॉज इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स. लाइक बहुत घंटे लग जाते हैं एक्चुअली में कपड़े इस पर सूखने के लिए. तो इससे बेटर तो ये था कि मैं आईएफबी का एक ड्रायर ले लेती जो अभी मैं करंटली यूज कर रही हूँ. बट ये किसी ने रिव्यू के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया था कि उनका बजट ड्रायर लेने जितना नहीं है, उनको कॉम्पैक्ट सा कुछ चाहिए. सो आई गॉट दिस वन एंड ये बनाने के बाद असेंबली के बाद कैसा लगता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. बट दिस इज अ हेक्टिक थिंग. लाइक ये अभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जो हमने ऑर्डर किए हैं लेकिन सारे अनअसेंबल्ड कंडीशन में मैं आए. सो थोड़ा सा असेंबल्ड का हैक्टिक हो जाता है. लाइक ये वाला भी जो है मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है बट दिस इज ऑल्सो अनअसेंबल्ड. तो कुछ ड्रॉवर्स हैं यहाँ पर जो अनअसेंबल्ड अभी है. बहुत सारे ड्रॉवर्स वगैरह ही है यहाँ पे जो सारे भी अनअसेंबल्ड कंडीशन में. तो असेंबल्ड मैं आपको शो करूंगी. कोई आता है तो सर्विंग के लिए बहुत अच्छा लगता है ये अगर आपने बुफे टेबल वगैरह सजाया हुआ. ये भी अनअसेंबल्ड कंडीशन में आ जाता है बट दिस असेंबली इज रियली क्विक एंड क्वालिटी भी काफी अच्छा है. तो ये मैं आपको असेंबल्ड करके दिखाऊंगी. सो गाइज ये थे कुछ पीसेस जो हमने अमेजोन से लिए हैं. इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इनकेस थोड़ा बाय देन तो वहां से जाके भी बाय कर सकते हो. फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय एंड टेक केयर.